आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर चाहूंगा कि आज 1st of October आप लोग का प्रोडक्टिव आवर्स कितना ज्यादा रहा है, सो दैट मैं समझ पाऊं कि जो मैं आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूं वो आपके लिए कितनी ज्यादा फ्रूटफुल हो रही है। बहुत सारे बच्चों के डाउट से सर 30 दिन का चैलेंज लीजिए, 3 दिन का क्यों लिया है सर, 30 दिन पे ये 3 दिन भारी होने वाला है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताता हूं, अगर आने वाला कल ठीक करना है तो आज ठीक करना जरूरी है। तो आज का मतलब साफ है, 1st of October अगर आपने बेहतर किया है तो 2nd of October के लिए आप जान लगाओगे, और अगर यहां मिस हो रहा है कुछ भी तो आने वाला दिन भी आप मिस आउट कर जाओगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके इस मिशन सीए फाउंडेशन नवंबर 2019 के बारे में कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या गैपिंग मिली है आपके नवंबर एग्जामिनेशन के डेट शेड्यूल से लेके, और आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए अपनी स्टडीज को। आज 1st of October आपने जो भी पढ़ाई करी है उनसे रिलेटेड बात आज बहुत नहीं करूंगा, लेकिन हां कुछ ही आपको बताने वाला हूं जिसको आप 2nd and 3rd of October में इंप्लीमेंट करोगे, एंड आई होप आप करोगे भी। स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीटीसी फैमिली में आप जितने भी सारे लोग हो आपको जो भी चीजें बता रहा हूं ना बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच पे है और बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद आपको चीजें बता रहा हूं। जरा देखो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे अभी बिजनेस लॉ को लेकर टेंशन में हैं। यार एक सिंपल सी बात बताना, लॉ में टोटल एक्ट कितने हैं? सर 5 एक्ट हैं। टोटल क्वेश्चन कितने प्रोड्यूस होंगे? अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन होंगे जो केस हिस्ट्री पर बेस्ड होंगे। आई होप ऐसा होगा अभी आपके साथ। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, आप अभी भी अगर कोई बच्चा बिजनेस लॉ को लेकर बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, 2 से 3 घंटे दे रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपसे आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में, इस डिस्कशन में ये भी बात करूंगा किस सब्जेक्ट को आपको इन दिनों अक्टूबर 15 तक कितना टाइम देना है। क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे जो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो ना, आप लोग का रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रीजन है कि यही वीडियो शाम को 6 मिनट डाला बिकॉज आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो जाए। रिप्लाई रात में 9 बजे कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना चीजों को। आप जब पढ़ रहे हैं तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दो और कितना टाइम ना दो, ये दोनों इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सबसे पहला पैटर्न समझना, अगर अभी भी कोई बच्चा बिजनेस लॉ को 2 घंटे दे रहा है तो इजली बोलना चाहूंगा मत दो यार। क्यों ना दो सर? जरा देखो आप अपने एग्जाम पैटर्न में देखो, 3 दिन का गैप है अकाउंटेंसी के बाद लॉ में। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके मोस्टली वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो कवर भी किया, मैंने आंसर लिख के पूरे दिखा रखे हैं, लिखने का पैटर्न क्या है ये भी बता रखा है। लगभग सारे सेक्शन में इंपॉर्टेंट सेक्शन बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के बताए हैं, मतलब साफ है। अच्छा उसमें भी कुछ बच्चों को डाउट सर यही पढ़ के जाए, नहीं सर वो कवर 100% करने हैं फिर केस स्टडी पर लग जाना है, बट अभी क्या करोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर 1 से लेके आज अक्टूबर 15 तक का पैटर्न कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना एफर्ट डालना है। ध्यान से सुनना, हमें सिंपल सा टास्क करना है, हर दिन हम लॉ में 1 क्वेश्चन करेंगे, वो भी प्रॉपर पैटर्न में ब्लैक पेन के साथ प्रॉपरली लिख कर करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हर दिन सिर्फ 1 क्वेश्चन। सर 1 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम जाएगा? मैं मान लेता हूँ 15 से 20 मिनट, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दे रहे हैं 30 मिनट्स, है ना। ये कुछ टेक्निकल प्रैक्टिकल बातें करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 30 मिनट्स में हम 1 लॉ का आंसर लिखेंगे, उसके बाद हम BCR का कोई एक टॉपिक उठाएंगे और 30 मिनट्स उसको भी देंगे। बस सर 1 घंटे से ज़्यादा लॉ इस वक्त तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो जो टाइम आपका मैं यहाँ से सेव करूंगा वो कहीं ना कहीं भी लगाऊंगा भी, चिंता मत करो। तो आपका सिंपल सा टास्क है, हमें हर दिन सर लॉ कितने घंटे? 1 घंटे। 1 घंटे से ज़्यादा लॉ हम नहीं करेंगे। सर कब तक ऐसा करना है? 15th of October तक। इसके बाद मैं बताऊंगा, शेड्यूल चेंज करूंगा कि अब हमें कितना टाइम वहां प्रोड्यूस करना है। सर ऐसा करने से होगा क्या? हर दिन अगर 1 क्वेश्चन आप टेक्निकली कर ले गए, आप इस बात को बहुत छोटी है बट वही बात बोलना चाहूँगा, कल सुधारना है आज हम बेहतर करेंगे। कैसे करोगे? हर दिन 1 क्वेश्चन करना है। सर लॉ में आप 15 क्वेश्चन लिख के प्रिपेयर कर लोगे और इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी क्या हो रहा है, बच्चा बुक उठाता है, पढ़ता है, रीडिंग करता है या वीडियोज़ देखता है, उसको एक्साइटमेंट आता है, मुझे समझ आ गया, लिखने बैठता है तो उसे डाउट हो रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर हर दिन 1 क्वेश्चन प्रॉपर पैटर्न में लिख के देखो। एक बच्चे का नाम लेना चाहूँगा, शबनम, यस मैं आपका नाम ले रहा हूँ वीडियोस में, और इस बच्चे ने मुझे प्रॉपरली इंस्टाग्राम पे मैसेज करा अपना, वो जो इसने आंसर शीट लिखी है उसको मुझे इसने फॉरवर्ड करा, एंड हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ आपको हर दिन सिर्फ 1 क्वेश्चन, सिर्फ 1 का मतलब सर सिर्फ 1, आपको 1 क्वेश्चन हर दिन करना है 15 अक्टूबर तक। तो आप 15 क्वेश्चन बिजनेस लॉ में कर लेंगे, इससे ज़्यादा मेरे भाई पेपर में आता ही नहीं।
नहीं है, तो आपके ना एक टेंशन दिमाग से निकल गई, आधे घंटे ये पढ़ेंगे, और आधे घंटे ना आपको हर दिन एक टॉपिक पढ़ना है। किससे सर? BCR से। BCR के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, वहीं से उठाइए, ICAI के वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। अगर बोला जाता है नोट मेकिंग ज़्यादा है, आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल मोर देन सफिशियंट है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, वो प्रीसेस राइटिंग हो चाहे नोट मेकिंग हो, बहुत अच्छे से बताया गया लिखते कैसे हैं, एग्जाम्पल्स को दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ो। इससे क्या होगा सर, एक घंटे हर दिन और 15 अक्टूबर तक, है ना सर, कुछ ऐसा वो कहते ना वो दवा जैसी लग रही है, सुबह शाम लेना बेटा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, जब आपको मन करता है तब पढ़ो, लेकिन आधे घंटे बिजनेस लॉ, आधे घंटे BCR, टोटल मिला के बिजनेस लॉ को हमें अगले 15 दिनों तक कितना टाइम देना है सर, 1 आवर्स पर डे। आधे घंटे में हर दिन एक क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिखा अगर तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप अपना बेस्ट करोगे। ये तो गई बिजनेस लॉ की बात। सर इकोनॉमिक्स में कैसे करें? इकोनॉमिक्स के साथ सर BCK भी अटैच है। यस, BCK में मोस्टली चैप्टर्स की वीडियो मैंने डाले हैं, जो वीडियो नहीं डाले हैं 15 अक्टूबर से पहले पहले मैं ये वीडियो डालूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल का वीडियो नहीं है अभी तक, मैंने नहीं डाला हुआ चैनल पे, तो वो भी 15 अक्टूबर से पहले पहले मैं ज़रूर डाल दूंगा। मतलब ये मैं लिख के कहीं रख लूँगा और आप मुझे कमेंट करें, हाँ सर वो याद है ना आपको, हाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल, BCK में जो भी चैप्टर रिमेनिंग है उनका वीडियो 15 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट आप उस पर मत लगाओ। हाँ, जो वीडियोज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उनको आपको कवर करना है। सर कितना टाइम इसको दें? यहाँ पे एक दिन का गैप है, लेकिन आपको पता है क्या, ये सबसे लास्ट पेपर है, और लास्ट पेपर में डाउट्स क्या होते हैं सर, लास्ट है, लास्ट में बच्चा थोड़ा सा फनी मूड में आता है, कॉमर्स वाले है ना, लेकिन आपको करना कैसे है, इकोनॉमिक्स एंड BCA इसको भी आप डेली एक घंटे ही दोगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इस तरीके से तो हम जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं वो कैसे होगा सर, 8 घंटे तो फिर हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? याद होगा स्टार्टिंग फेज में मैंने बोला था आपको 3 बार रिवीजन करना है, उसके पीछे एक रीज़न था, वो आज डिस्क्लोज करता हूँ। कैसे करोगे रिवीजन आप? रिवीजन ऐसा नहीं है कि आप जब नवंबर में पहुँचोगे तो अचानक से 3 बार अचानक से रिवाइज होगा, नहीं होगा सर, और ये झूठ हो जाएगा अगर मैं आपसे बोल दूंगा आप कर लोगे, बिल्कुल नहीं। बी प्रैक्टिकल, रिवीजन आज से करना है। कैसे होगा ध्यान से समझो, आपने जैसे लॉ का एक क्वेश्चन लिखा ना, सुबह में लिख लिया तो रात में रिवाइज करो, रात में लिखा था तो अगले दिन मॉर्निंग में रिवाइज करो। रिवीजन हर दिन होगा, हर दिन होगा, और 10 से 15 मिनट लेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन लिखने में आपको 20 मिनट लगे हैं तो आई होप आप उस जब इसको रिवाइज करोगे ना तो 10 मिनट से ज्यादा आप नहीं दोगे। और ये वो पैटर्न होगा जब हम लॉ पढ़ने बैठेंगे, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं आज 1 अक्टूबर आपने लॉ में कोई आंसर लिखा है, 2 अक्टूबर आप मॉर्निंग में जब बैठे कॉपी आपने ओपन करी तो जो आंसर आपने कल लिखा था, मतलब 1 अक्टूबर आज जो लिखा है, पहले उसको 10 मिनट देख के रिवाइज कर लिया। हर दिन रिवीजन, तो इससे होगा क्या, जो मैं एक घंटे का पैटर्न दे रहा हूँ 1 घंटे 10 मिनट हो जाएगा, कोई बात नहीं सर 8 घंटे में हमें इसे निकालना है ना, तो ये चीज़ आप कर लेनी है। इकोनॉमिक्स एक घंटे में अगेन बोलूँगा, हर दिन 30 मिनट्स का टॉपिक। आप में से कुछ बच्चे होंगे अरे सर 30 मिनट्स में क्या होता है, ठीक है जी आप यहाँ पे 45 मिनट्स एक घंटे ले लो, 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम मत देना। पॉसिबल है कुछ बच्चों ने बिल्कुल शुरुआत करी हो, है ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया बट अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं, तो आप 1 घंटे और 1 घंटे रख लो। मैं आपके लिए भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सारे, मैं टॉपर्स के लिए बोलूँगा, जो बच्चे इस कैटेगरी में आ चुके हैं कि यार पास तो करना है कुछ भी हो जाए, उनके लिए कह रहा हूँ 1 घंटे इकोनॉमिक्स दो, 1 घंटे BCK दो, डेली पैटर्न पे। और थ्योरी पेपर साथ न्यूमेरिकल पेपर को प्लग करना ना बोलो। अब तो ये तो बात होगी सर इनकी, और अगेन बोलूँगा टॉपिक वाइज जाओ, ICAI का चैप्टर वाइज वेटेज उन्होंने बता रखा है, मैं आज टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, और इवन मैंने बनाए हुआ है वीडियोस के ऊपर कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करो, ठीक है। ये वीडियो रात में लाने के पीछे रीजन ही है, कल आप 2 अक्टूबर आज प्लान करोगे इस वीडियो को देख लेने के बाद, जब प्लान करो तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के प्लान करना कि बिजनेस लॉ में किस चैप्टर का कौन से टॉपिक का आंसर मुझे लिखना है, इकोनॉमिक्स में डिमांड प्रिपेयर करूं कि सप्लाई करूं, या चैप्टर नंबर 1 ले लूं, BCK में चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में से कौन सा लूं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो कॉमन सेंस पर बेस्ड है उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये दो गई दो थ्योरी पेपर की बात। अब जरा बात करते हैं इन पेपर की जो सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे, और आज मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा बिजनेस मैथमेटिक्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बार कमेंट करके कहते हैं सर मैथ 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 क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, उसके बाद ये भी बताऊँ क्या करना है। जरा देखो आप बात, अभी तक हमारी जो टोटल स्टडी निकली अगर 2 घंटे इसको भी दे लें, 1 घंटे इसको दे लें, तो हमारी 3 घंटे की स्टडी प्रॉपरली फाइंड आउट हो चुकी है कि हाँ 3 घंटे करने हैं। आपसे मैंने बोला था और आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि सर 8 घंटे हम देंगे, सर 5 घंटे बच रहे हैं क्या करोगे, 5 घंटे में 1 घंटे निकाल देते हैं जो हम हर टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो वो उसमें एड ऑन हो जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है अब 4 घंटे, सर 4 घंटे में कैसे करेंगे,
ध्यान से सुनना इस चीज को, बिजनेस मैथमेटिक्स अगर हम उठाते हैं पिक करते हैं तो हमें सिंपल सा टास्क यूज करना है। पहले अकाउंटेंसी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स भी बताता हूँ। अकाउंटेंसी अगर हम पिक करते हैं तो अकाउंटेंसी में कॉमर्स का बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, पहले उनके बारे में बोलना चाहूंगा। आप कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जब मैं आंसर पिक कर रहा होता हूँ, क्वेश्चन पिक करके सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि आंसर आता ही नहीं है, मुझे सब आ रहा होता है, समझ में भी सब आ रहा होता है, बट जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ तो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाता हूँ। उसी चीज़ के लिए आपको डेली एक चैप्टर उठाना है, उस एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी, दैट्स इट। कैसे होगा सर, कंपनी का भी रिसेंटली मैंने व्यू डाला था यहाँ पे, कंपनी क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, पार्टनरशिप का भी जल्दी लाऊंगा, एनपीयू का भी जल्दी लाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी 15 अक्टूबर पहले सारी चीज़ें मैं कर दूंगा आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेनी इसके लिए। आपको फोकस रहना है, जो चीज़ें आपने पढ़नी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। 2nd of October प्लान करने के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक देता हूँ। जैसे अकाउंटेंसी अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी में आपका जो कॉन्फिडेंट टॉपिक है, कॉन्फिडेंट मतलब जिसमें आपको पता है क्वेश्चन कहीं से भी बना दिया आई और आएगा जरूर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अब आप एवरेज ड्यू डेट लेके बैठ गए या अकाउंट करंट लेके बैठ गए कि नहीं सर हम तो यही पढ़ेंगे। अरे क्यों पढ़ोगे भाई, पहले वो टॉपिक जिनके सिक्योरिटी के वो पेपर में आएंगे ही आएंगे, पहले हमें अपना 90 प्लस तक स्कोर पहुंचाना है, इसके बाद हमें बाकी चीजें पढ़ लेनी और पढ़ना है, बिल्कुल हमें छोड़ना कुछ नहीं है, बट पहले 90 प्लस की प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। तो सिंपल सा टास्क है। अब अकाउंटेंसी अगर हम बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी में आपको देखो हमारे पास गैप नहीं है, बट हम नंबर 5 से एज्यूम करके चलेंगे कि अकाउंट का पेपर है और हमारे पास ये 4 दिन का प्रॉपर गैप है, तो इस 4 दिन में ऐसा ज़बरदस्त रिवीजन कराऊंगा आपको ना कि पेपर जैसा मर्जी बना लिया ICAI आप 101% सिक्योर करोगे। 90 प्लस की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, आप करके बैठो, लेकिन ये जो हमारा जो इन बिटवीन डेज है ना, ये अक्टूबर ये बेस्ट बनाने, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे और आपके लिए कन्फ्यूजन का पार्ट बहुत ज़्यादा होगा, फैमिलीज में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी तो कन्फ्यूजन्स रहेंगे सर, सोसाइटी में आपके यहाँ कल्चर प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हो रही होंगी तो आपके लिए टेंशन का पार्ट बनेगा बनेगा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं नहीं बोला उसमें पार्टिसिपेशन मत करो, मस्त इंजॉय करो, लेकिन उसके लिए पहले से एफर्ट डाल के अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है आपको। जरा सुनना, अकाउंट्स के लिए से कल का टॉपिक मान लेते हैं, आपने पिक किया कि सर कल मैं कंपनी खत्म करूंगा, खत्म करने के लिए मैं सर 2 घंटे अकाउंट को दूंगा और 2 घंटे में कंपनी के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन उससे मैं लगाऊंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने कल टॉपिक दिया था, 2 क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, आप में से कितने लोगों ने वो लगा लिया वही बता देना, अगर उसमें डाउट है तो मैं सेपरेटली उसके आंसर ही बताऊंगा आपको। कंपनी कल मैं खत्म करूंगा, चाहे वो प्रोराटा अलॉटमेंट हो चाहे वो डिबेंचर का रिडेम्पशन हो, क्योंकि वो 15 नंबर का टॉपिक है, सेपरेटली वीडियो मैंने बनाया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में रहेगा आज, आप चेक कर लेना। तो कंपनी कल 15 नंबर हमको प्रिपेयर करना है। कैसे होगा सर, पहले आपने ICAI के मटेरियल में जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेने हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे कल कोशिश करूंगा पोस्ट कर दूं, जिससे आप जब पूरी पढ़ाई कर लेना तो शाम तक उसको भी सॉल्व कर लेना, और कल शाम 6 बजे आपकी एक बैच भी रहेगी, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट से क्लोज करना है, हर दिन एक चैप्टर लेना है हमको, अगर आपने ऐसा करा तो 15 अक्टूबर तक हम 15 चैप्टर कवर करेंगे, इतने है ही नहीं, सोच के देखो। और जैसा मैंने बोला, जो चैप्टर आप जिस दिन पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो रात में रिवाइज कर लेना, शाम में पढ़ रहे हो रात में रिवाइज कर लेना, और लेट नाइट पढ़ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग अगले दिन रिवाइज करना, हर दिन रिवीजन करना है। तो जो ये 3 रिवीजन मैं बार बार बोलता हूँ ना कि 3 रिवीजन कर लिया तो कोई फेल नहीं कर सकता, फेल तो दूर की बात है, छोड़ दो, आपके पास होने की गारंटी हो सकती है 101%, लेकिन कब, जब 3 रिवीजन प्रॉपर मैनर में प्लान हो। प्रॉपर मैनर क्या है सर, आज हमने पढ़ा शाम को या रात को, तो अगले दिन सुबह जब हम सो के उठते हैं सबसे पहला काम जो कल पढ़ा था रिवाइज कर लें। क्वेश्चन रिवाइज होता है सर, क्यों रिवाइज करें, रिवाइज करने से आप उस इन्वायरमेंट में चले जाते हो जो आपने फिर से करना है, और रिवीजन का मतलब मत समझना, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ आज रात में आपने बिजनेस लॉ कोई टॉपिक लिख के पढ़ा, लिख के पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरल नहीं होना चाहिए, बोल बोल के पढ़ो, ये सब छोटी बातें हैं बट आपको बता रहा हूँ, लिख के आपने बिजनेस लॉ का आंसर करा, ठीक है। अब अगली सुबह जब आप सो के उठते हो तो पहले वो आंसर रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यस आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है, और मज़ा आना शुरू हुआ तो आप उस इन्वायरमेंट में चले गए कि यस अब बिजनेस लॉ पढ़ने बैठता हूँ, जिस चीज़ का रिवीजन करना सुबह में वही टॉपिक पढ़ना शुरू करना। अगर अकाउंट उठा के रिवाइज करा है जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था कल, तो अकाउंट्स का ही कोई नया टॉपिक लेके पिक करना, शुरू के 15 मिनट चैप्टर की समरी, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा प्लान करने के बाद क्वेश्चन उठा के स्टार्ट करना, शुरू करना, और मुझे बिलीव है आप ऐसा करोगे। तो ये मैं बात कर रहा था अभी तक अकाउंटेंसी की, अब आते हैं आपके सबसे बड़े डर बिजनेस मैथमेटिक्स में, कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, इसका मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑलरेडी बना रखा था कि मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, पहला फोकस हमारा और आपका यहाँ होना चाहिए,
कि सर रीजनिंग में मेरी जो ऑफलाइन बैचेस के बच्चे उनमें से बहुत सारे बच्चों ने बात कही, सर रीजनिंग हमारा अच्छे से कवर हो गया है। अच्छे से का मतलब क्या है कि वो कहते हैं सर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा हम कर लेंगे। सर आप क्यों नहीं, आपको ये प्लान करना है। रीजनिंग के लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी लोगों ने बना रखे हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन आप तब तक मैं जब मैथ क्लासेस करूँगा स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपका सिंपल सा टास्क है रीजनिंग वहाँ से कवर करो, आप कर लोगे मुझे पता है। बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे की हेल्प करनी है, CTC फैमिली फैमिली मेंबर्स आप हो, आप दूसरों की हेल्प करो। आपको करना क्या है, आप लोगों को बताओ भाई कैसे कैसे हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क हम 20 नंबर ये कवर करेंगे। स्टडीज की थ्योरी मैं आपको अगले 7 दिन के अंदर अंदर यूट्यूब पे पोस्ट डेफिनेटली करूंगा। मैं आज इन चीज़ों को लिखने वाला हूँ वीडियो बनाने के बाद मैंने क्या क्या बोला है, जिससे क्या हो रहा है इस बीच बहुत सारी क्लासेस में प्लान कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें मिस आउट हो रही हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि कुछ चीज़ें रह जा रही हैं। बट अगेन मैं बोलूँगा कि देखो आपके लिए सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो पॉसिबल है कि ऑफलाइन के बाद जब ऑनलाइन आ रहा हो तो चीज़ें मिस आउट होती हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज जो वीडियो में बोल रहा हूँ इस वीडियो के मैं रिकॉर्ड करूँगा मैंने क्या क्या बोला है और मैं उसको पूरा प्लान करूँगा। तो स्टडीज़ की थ्योरी विदिन 7 डेज मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। तो जब आप इस 20 मार्क्स के लिए प्लान कर लेंगे, जो 40 का ब्रैकेट है ना, हाँ मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ अराउंड 20-30 मार्क्स की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी टीचर से बनवा रखे थे, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल भी रखे हैं, वहाँ से कवर करो आप उसको। वहाँ से कवर करने के बाद अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाइए, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है मैथमेटिक्स को दीजिए, ये और अकाउंटेंसी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करो। और वो मेरी बात मत भूलना, आप आज जो प्रैक्टिस करोगे अगले दिन जब उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ रहे हो तो शुरू का 10-15 मिनट उसी टॉपिक को रिवाइज करना फिर पढ़ना शुरू करना। अब जरा बात कर लेते हैं आपके नवंबर एग्जामिनेशन शेड्यूल की। नवंबर में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से, हम मान के चल रहे हैं 5 तारीख से। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अकाउंटेंसी को भी रिवीजन हमें वहाँ पे कराना होगा और मैं बहुत ज़बरदस्त कराने वाला हूँ। इतनी क्लासेस होंगी इस बार कि आप ऑनलाइन में वो फ्लेवर महसूस करोगे यार क्या हो रहा है ये, क्योंकि आपने CTC फैमिली को इतना प्यार दिया है तो मेरी भी लाइबिलिटी बनती है यार कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जिससे पहले वाली बैच में मैं नहीं कर पाया था लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ प्रॉपर ऑडियंस की वजह से। और अभी फैमिली धीमे धीमे ग्रो हो रही है तो आप लोग की हेल्प तो सर बनती ही बनती है। तो सबसे पहला नंबर 5 से हम प्लान करेंगे नंबर 9 के लिए। नंबर 9 हो गया तो अगला प्लान होगा नंबर 13 के लिए, जहां पे हमारे पास 3 दिन का गैप है बिजनेस मैथमेटिक्स में। यस, यहां मैं बोल रहा हूं कि आपको 15th October तक अपने दिमाग को ये बता देना है भाई कि फेल मैथ में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट का डर होता है, आपका भी होगा, तो आपको उस सब्जेक्ट में पास कर लेना है कुछ भी करके, कितना भी पढ़ना पड़े पास तो होना है सर, कुछ भी करना पड़े। अब बात आएगी इकोनॉमिक्स की, वो आप कर लोगे और मैं साथ में हूं, टेंशन ना लो। होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। 2 अक्टूबर का वीडियो क्लोज करने के बाद तुरंत बैठना प्लान करना, और हाँ कमेंट करके जाना कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई 1 अक्टूबर में करी है, सो दैट आपका 2 अक्टूबर बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। 2 अक्टूबर में हर दिन 10-15 मिनट थोड़ा सा एक्सपेंड करो, थोड़ा और एनर्जी डालो कि यार 10 मिनट और सही, थोड़ा और पढ़ते ना सर ने बोला है थोड़ा सा और, ये जो थोड़ा सा और वाली फीलिंग है ये बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करी हो। जैसा मैंने बोला हर दिन अगर हमने एक टॉपिक क्लोज करने की कसम खा ली कि आज एक टॉपिक खत्म करके उठूंगा, तो आपको अगले 15 अक्टूबर तक 15 टॉपिक सारे चैप्टर से क्लोज होंगे और इससे ज्यादा टॉपिक आपके किसी भी सिलेबस में है ही नहीं। आपको सिर्फ इतनी प्लान करना, हमारी 15 अक्टूबर तक की क्लोजिंग करनी है हमको, उसके बाद कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो आप प्रॉमिस करोगे मुझसे और आप बोलोगे इस बात को, अप्रिशिएट करोगे सर इस बार नवंबर एग्जामिनेशन में आपने कमाल कर दिखाया और मैं करूंगा भी, होप फॉर द वेरी बेस्ट। मिलता हूं कल शाम को 6 बजे आपकी क्लास के टाइम पे, तब तक के लिए शानदार रहो और यारो प्लानिंग करो, ऑल द बेस्ट।